बिहार में विधानसभा का सत्र इस वक्त तो चल रहा है और सरकार को विपक्ष जो है वो लगातार घेरने का काम कर रही है और इसी विपक्ष के तौर पर इस वक्त भाकपा माले जो है वो मजबूत स्थिति में सरकार पर करे हमले कर रही हैं। इस वक्त हमारे साथ भाकपा माले के उपाध्यक्ष जो हैं वो दीपांकर भट्टाचार्य मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो उन्होंने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है उनका मुख्य वजह क्या है। दीपांकर जी, सबसे पहले आज जो प्रेस वार्ता आपने बुलाई है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जानना चाहें। देखिए, आज तो पूरे बिहार में जो अभी आंदोलन की स्थिति है, विधानसभा का सत्र चल रहा है, विधानसभा में मुद्दे उठ रहे हैं, हमारे विधायक लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि सरकार बहुत एक तरीके से बौखलाहट में है। अनाप शनाप मंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री तक बोल रहे हैं और विधायकों को धमकी दी जा रही है। तो सबसे पहले तो ये लग रहा है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है, क्योंकि इतने सारे घोटाले सामने आए हैं, सरकार के पास शायद जवाब नहीं है और जवाब नहीं है तभी सरकार इस तरीके से पेश आ रही है। तो हम लोग इस पर विधानसभा के अंदर तो लड़ेंगे ही, बाहर भी लड़ेंगे। तो 1 मार्च को नौजवानों ने तय किया है कि रोज़गार के सवाल पर सरकार को घेरा जाएगा। 19 लाख रोज़गार का वादा कहाँ गया। 3 तारीख को बिहार के गरीबों ने यह तय किया है कि जो जल जीवन हरियाली के नाम पर गरीबों को फिर से उजारना शुरू हो गया है, तो गरीबों को उजारने के खिलाफ सरकार को घेरा जाएगा। और किसान आंदोलन जो राष्ट्रीय स्तर पर है, मोदी सरकार के 3 कानूनों को ख़त्म करने की मांग पर है, लेकिन हम समझते हैं कि बिहार में भी सबसे पहले तो नीतीश जी ने APMC एक्ट को ख़त्म कर दिया था, तो बिहार में किसानों से फसल खरीदी जाए, बिहार के किसानों के लिए सही कीमत तय हो, उसकी गारंटी हो, इसके लिए एक बड़ा किसान आंदोलन भी बिहार में खड़ा करना ज़रूरी है, केंद्रीय मुद्दों को लेकर बिहार के अपने मुद्दों को जोड़कर। तो 11 तारीख जो सहजानंद सरस्वती की जयंती है उस दिन हम लोग पूरे बिहार में किसान दिवस के रूप में सहजानंद जी को याद करेंगे और ये संकल्प लेंगे कि किसान आंदोलन को तेज करना है। बिहटा से उस दिन बिहटा में बड़ा कार्यक्रम होगा और बड़े कार्यक्रम के बाद 6 किसान रथ को बिहार के अलग अलग दिशाओं में हम लोग रवाना करेंगे और पूरे गाँव-गाँव में किसानों के बीच में संदेश जाएगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि 18 तारीख को विधानसभा के समक्ष किसानों का भी एक बड़ा प्रदर्शन हो और आज के राष्ट्रीय किसान आंदोलन में बिहार भी आगे बढ़े। अच्छा दीपांकर जी, क्या लगता है बिहार के जो किसान हैं वो आप लोगों के साथ गोलबंद होंगे, जो आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार और खुद राज्य सरकार जो है वो कह रही है कि आप लोग ही किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, बिहार के किसान बहुत संतुष्ट हैं। अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा में भाजपा का एक चिंतन शिविर चल रहा था और भाजपा के बड़े नेता, मंत्री, प्रदेश के अध्यक्ष सब मौजूद थे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि किसान हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, तो आप हमें कोई मंत्र दीजिए किसानों को बहकाने के लिए, मिसलीड करने के लिए। तो बात यह है कि किसान सरकार ने इतना पैसा खर्च करके विज्ञापन दिया, मोदी जी ने लोकसभा में, राज्यसभा में लंबा चौड़ा भाषण कर दिया, लेकिन उस भाषण को भी ठीक से आप याद कीजिए। उन्होंने कहा कि 2047 में हिंदुस्तान मोदी सरकार को बधाई देगा कि कानून, इसका सीधा मतलब है कि आज इस कानूनों के खिलाफ जो जबरदस्त विरोध है वो किसी को समझा नहीं पा रहे हैं। इसलिए सवाल तो ये नहीं है, सवाल किसान बिल्कुल, और मोदी जी की ये कोशिश है कि इसको बड़े किसान बनाम छोटे किसान का मुद्दा बना करके किसानों को उलझा के रखा जाए। तो अगर छोटे किसानों के लिए उनके मन में इतना दर्द है तो उनको कौन रोक रहा है? छोटे किसानों के लिए अलग से कोई कर्ज की योजना लेकर के आए, छोटे किसानों के लिए अलग से अनुदान की योजना लेकर के आए। अभी जो किसान सम्मान मोदी जी का जो प्रकल्प है वो है PM किसान योजना, तो PM किसान के नाम पर कुछ किसानों को महीने में 500 रुपये, 500 रुपये का तो कोई खैर मतलब नहीं है, लेकिन जिन किसानों को मिल रहा है हम देख रहे हैं कि उससे बहुत ज़्यादा किसान बल्कि इससे छूट रहे हैं, क्योंकि इसमें जो ज़मीन के मालिक हैं सिर्फ उन्हीं किसानों को पैसा मिल रहा है, लीज पर ज़मीन लेकर के खेती करने वाले जो बटाईदार हैं उनको नहीं पैसा मिल रहा, या अगर जमीन आपके नाम पर है तभी मिल रहा है। अगर परिवार के नाम पर जमीन है और 3 भाई मिलकर खेती कर रहे हैं, वो तीनों भाई को पैसा नहीं मिल रहा है, किसी एक को मिल रहा है, तो ये तो किसानों के साथ बड़ा धोखा है। इसीलिए हमें लगता है कि बिहार के किसान बिल्कुल इन सवालों पर उनके अंदर आक्रोश है और हम लोगों ने अभी तक जहाँ में जितने किसान के बीच में गए जाने का काम किए हैं, किसान पंचायत लगे, मानव श्रृंखला लगी, तो किसान बिल्कुल इसमें गोलबंद हो रहे हैं।
श्रीमान जी, विधानसभा सत्र चल रहा है, आपके विधायक बिल्कुल बेबाकी से अपनी बात को रख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही आपके विधायक के साथ मंत्री की नोकझोंक हुई है, वृद्धा पेंशन को लेकर उन्होंने सवाल कहा तो कहा कि किसान और खास करके गरीब लोगों को ठगने का काम भाकपा माले के लोग ही करते हैं। ये तो अगर सरकार और मंत्री इस तरीके से अगर बात करें विधानसभा में, तब तो बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि माले के लोगों पर ही तो सबसे ज्यादा गरीबों ने भरोसा जताया, क्योंकि मोदी जी ने और उनकी पार्टी ने तो पूरी कोशिश की थी कि माले के खिलाफ अनाप शनाप बोल करके। आज तो जब हिसाब मांगा जा रहा है, इतने सारे घोटाले सामने आए, कोविड की जांच के मामले में घोटाला, क्वारंटीन के मामले में घोटाला, चुनाव के खर्च के मामले में घोटाला, नल जल के सवाल पर घोटाला, हरियाली के सवाल पर घोटाला। हमारे विधायक ने सवाल क्या उठाया, सवाल ये उठाया कि जो पेंशन आप देते हैं, जो पेंशन वो लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, तो लोगों को पेंशन मिले। और बल्कि पेंशन की राशि तो बहुत कम है, वो एक अलग डिमांड है। पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हम कह रहे हैं कि कम से कम 3,000 रुपये का प्रतिदिन 100 रुपये का पेंशन तो कम से कम मिले। तो खैर राशि तो अलग बात है, लेकिन जो भी आपके पास पेंशन इस समय आपने तय किया है वो लोगों को मिल नहीं रहा है। तो लोगों को पेंशन मिले ये आवाज़ उठाना, और इस पर सरकार अगर इस तरीके से अगर डिफेंसिव है, इसका मतलब है दाल में बहुत कुछ काला है। सरकार इस सवाल पर एक तरीके से उसके पास कोई जवाब नहीं है, और इसीलिए वो सोच रहे हैं कि माले के खिलाफ अनाप शनाप बोल करके एक नफरत और झूठ के सहारे हम जवाब दे देंगे। लेकिन सवाल माले का नहीं है, सवाल तो बिहार के गरीबों का है, उन तमाम विधवाओं का, वृद्धाओं का, वृद्धों का है जिनको पेंशन मिलना चाहिए और मिल नहीं रहा है, उन नौजवानों का है जिनको रोजगार मिलना चाहिए और नहीं हो रहा है। तो अगर ये भाजपा के लोग समझ रहे हैं और नीतीश जी भी समझ रहे हैं कि माले को दो चार गाली दे दीजिए, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है, तो माले के कुछ गाली दे देने से आप बिहार के नौजवानों को चुप करा देंगे, बिहार के गरीबों को चुप करा देंगे, किसानों को चुप करा देंगे, तो इस मुगालते में मत रहिए। ये कोशिश आप लोग करते रहे हैं, और ये तमाम कोशिश के बावजूद इस बार माले के 12 विधायक जीत करके आए हैं। तो इसीलिए सरकार को इससे बचना चाहिए, और विधानसभा में हमारे विधायकों की कोशिश है कि एक गंभीर बहस हो, सार्थक बहस हो, और सरकार को मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। शराब के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, शराबबंदी कानून को लोग जो हैं ठेंगा दिखा रहे हैं, तस्कर। आज भी सीतामढ़ी में एक दरोगा ने जब छापामारी करने के लिए वहां पहुंचे तो उसको गोली मार दी गई। शराबबंदी है बिहार में, देखिए मौतें हो रही है जहरीली शराब से गोपालगंज में, मुजफ्फरपुर में। तो हमें लगता है कि सबसे पहले तो सरकार, वो तो शराबबंदी के नाम पर, हमने तो शुरू से कहा कि शराबबंदी के नाम पर आपने शराब माफिया को पनपने का, फलने फूलने का मौका दिया। किसी एक शराब माफिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जितने शराबबंदी कानून के नाम पर प्रताड़ित किया गया बिहार के गरीबों को, उनको जेल में डाल दिया गया। तो इसलिए सरकार को तो पूरे इस मामले में समीक्षा करनी चाहिए, और इस पूरे कानून के साथ जो मजाक बन गया है ये कानून, और वो तरीके से गरीबों को प्रताड़ित करने का एक औजार बन गया है, और जबरदस्त भ्रष्टाचार का माध्यम बन गया है। शराब की होम डिलीवरी धरल से हो रही है पूरे बिहार में, सबको ये मालूम है। इसलिए ये मजाक बंद हो, और इस पर शराब बंदी कानून के आड़ में गरीबों का दमन बंद हो, और ये भ्रष्टाचार जो फैला है उस पर रोक लगे। अंतिम सवाल और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सवाल ये है कि बिहार में नीतीश कुमार शिक्षा व्यवस्था को लेकर बार बार बोलते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें शिक्षा जो व्यवस्था है, स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, खास करके स्कूल, लेकिन उसी स्कूल में बैठने की जगह नहीं है, उस स्कूल में छात्राओं को शौचालय जाने की जगह नहीं है, वहाँ पर पुलिस के जवान रह रहे हैं, उसको लेकर क्या? ये बहुत बहुत गंभीर आपत्तिजनक सवाल है। बिल्कुल, मैंने बिहार के अंदर स्कूलों में, जो वैसे ही तो स्कूल कम है और सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत ख़राब है, अगर वहाँ अगर लड़कियों का स्कूल है, छात्राओं को जाने के मौका नहीं मिल रहा है, और उसको आपने कब्जा करके रखा है सेना के लिए, अर्धसैनिक बल के लिए, तो इससे ज़्यादा बिहार के शिक्षा के साथ मजाक क्या हो सकता है। तो इस पर बहुत ये गंभीर सवाल आपने उठाया, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे विधायक भी इस पर पहल करेंगे, और सरकार को हम इस पर ज़रूर पीछे हटने के लिए मजबूर करेंगे, क्योंकि बड़ा सवाल है ये बिहार के स्कूलों में सरकारी शिक्षा, वो गरीबों को, छात्रों को, छात्राओं को मिले, सरकारी शिक्षा बेहतर हो, और शिक्षा के नाम पर ये मजाक बंद हो। साफ तौर पर दीपांकर भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर उन्होंने जानकारी दी और कहा कि किसान आंदोलन को और भी बिहार में तेज किया जाएगा। अपने सहयोगी श्रवण के साथ मैं देवाशीष कुमार, DSG News पटना।